भोपाल से भाजपा सरकार और मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की हठगर्मिता की वजह से आज बेंजीर कॉलेज को प्रशासन के द्वारा गुपचुप तरीके से कोलार के अकबरपुर शिफ्ट किया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही युवा कांग्रेस के साथियों और NHUI द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया तथा इस कॉलेज शिफ्टिंग का विरोध किया गया, क्योंकि कांग्रेस शासन में रहते हुए विधायक आरिफ मसूद जी ने बेंजीर कॉलेज के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित कराए थे, पर भाजपा की खरीद फरोख्त की सरकार ने आते से ही कॉलेज को 20 किलोमीटर दूर कोलार शिफ्ट कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से भोपाल युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव, माधव वीणा, कुणाल गजबी, अभय रामभक्त समस्त युवा साथी मौजूद रहे। भोपाल से संवाददाता नीरज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जोगिंदर लोहल। क्या है यहाँ पे आपका एजुकेशन? जी एजुकेशन क्या है यहाँ? मैं एमए फर्स्ट ईयर। तो ये कॉलेज शिफ्टिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कि उनको शर्म आना चाहिए एक बसे बसाए घोसले को, जिसमें दलित सारे वर्ग के लोग पढ़ते हैं और पुराने भोपाल के लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, और ऐसे बसे बसाए घोसले को एक हिटलर शाही के तौर पर रामेश्वर शर्मा विधायक, उनकी हिटलर शाही के चक्कर में आज एक बसा बसाया घोसला उजड़ता हुआ ये हमारे सामने। मैं निवेदन करूंगा मध्य प्रदेश शासन के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को कि आप हमें भांजा भांजी तो बोलते हैं और हमें भांजा भांजी का अधिकार नहीं दे रहे हैं, आप हमारी एजुकेशन के खिलाफ, हमारे दलित वर्ग के लोग और छोटे कस्बे के लोग जहां इतने पास एरियो में रहते हैं जो कि इनको बहुत पास पड़ता है और जहां से कोलार शिफ्ट करने जाते हैं, तो मैं आह्वान कर रहा हूं कि यहां से NHUI के छात्र हैं, कोलार हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे हमें पढ़ाई छोड़ना पड़े हम पढ़ाई छोड़ देंगे पर हम कोलार नहीं जाएंगे। और आपको ये सीधी सीधी हठधर्मिता है प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पे लाखों परिवार जो बसते हैं उनके बच्चे इस कॉलेज में पढ़ते हैं और सालों से यहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उनकी हठधर्मिता है, उनका एक हट है कि इस कॉलेज को वो अपनी विधानसभा में ले आना चाहते हैं। अगर उन्हें अपनी विधानसभा में कॉलेज खोलना है तो वो एक नया कॉलेज भी खोल सकते हैं। यहाँ के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ रामेश्वर शर्मा क्यों कर रहे हैं? यहाँ की शिफ्टिंग की बात आपने कहाँ कहाँ तक पहुँचाई थी? यहाँ की शिफ्टिंग की बात अभी जैसा छात्रों ने मुझे बताया तो हम युवा कांग्रेस की पूरी टीम उनके समर्थन के लिए यहाँ पे आई, लेकिन इसकी एवज में ये भी बात है कि इस शिफ्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जा चुकी है, सभी लोगों से चर्चा की जा चुकी है। अभी पिछले वर्ष विधायक आरिफ मसूद जी ने जब कमलनाथ जी की सरकार थी इस कॉलेज के लिए 8 करोड़ रुपए अपने आवंटन करवाया था, वो निधि यहाँ पे लग के इस कॉलेज को सुचारू रूप से चालू किया जा सकता था और वहाँ पे अगर एक नया कॉलेज बनाया था तो रामेश्वर शर्मा जी वहाँ नया कॉलेज बना के वहाँ के छात्रों को पढ़ा सकते थे। यहाँ के छात्र, यहाँ के प्रोफेसर कैसे यहाँ से कोलार जाएंगे, यहाँ के बच्चे कैसे वहाँ जाकर पढ़ेंगे? मैं प्रशासन के इस ढंग की, इस रवैये की कड़ी निंदा करता हूँ और शर्म आना चाहिए शिवराज सिंह चौहान जी को। आपको मामा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, आप मामा नहीं, आप कंस मामा है, इसकी हम निंदा करते हैं। इसके पहले जो कॉलेज शिफ्टिंग रुकी थी वो कैसे रुकी थी? इसके पहले भी जब हमने देखा हमारी आंखों के सामने यही छात्र बेचारे रोडों पर आके बैठ गए, रोडों पर रहे, इन्हें लड़े, इन लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई। विधायक आरिफ मसूद जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो इनके समर्थन में उस वक्त भी खड़े हुए थे, आज भी वो इसके समर्थन में है कि ये कॉलेज यहीं रहना चाहिए। इसके अलावा ना तो किसी नेता ने, ना प्रशासन ने, ना मुख्यमंत्री जी ने, किसी ने भी इन छात्रों की कोई सुनवाई नहीं करी, सीधे सीधे इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है जो बिल्कुल निंदनीय है, हम इसकी पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। Right now and press the bell icon. Never miss an update.